दोस्तों वाले फ्रीजा का आर्मी बस हेल्प करने वाला आर्मी लगता है, लेकिन इनके पीछे कई सारे हिस्ट्री और चीजें भी हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और फाइनली आज हम बात करने वाले हैं फ्रीजा आर्मी के 10 चीज के बारे में जो कि दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल एक ऐसा सीरीज है जिसमें सभी ओरियंस के बारे में ध्यान रख के ब्रॉड चीजों को दिखाया गया है, और यही वह वजह है कि ड्रैगन बॉल के फैंस भी एकदम ब्रॉड क्वांटिटी में है। ड्रैगन बॉल में हम गोकू और कई सारे मेन वॉरियर्स को तो देखते ही हैं, लेकिन इनके अलावा हम पावरफुल विलन्स को भी देख चुके हैं। सालों से ऐसे कई सारे पावरफुल विलन्स रह चुके हैं, लेकिन फ्रीजा एक ऐसा विलन रहा है जिसे इस सीरीज में फ्रीक्वेंटली लाया जा चुका है। यहाँ पर फ्रीजा के पास बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ होता है और खुद को दोस्तों हैंडल भी कर सकता है, लेकिन ये कैरेक्टर का एक खतरनाक आर्मी भी होता है जो कि दोस्तों इसके साइड में रह के हमेशा फाइट ही करता है। भले ये आर्मी आपको फ्रीजा का हेल्पिंग हैंड की तरह लगता हो, लेकिन ये आर्मी के पीछे कुछ हिस्ट्री या तो चीजें भी हैं जो कि दोस्तों आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में फ्रीजा के आर्मी के 10 ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, फ्रीजा के आर्मी के मेंबर्स को कई ओकेजन में मिटाया जा चुका है। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो फ्रीजा के आर्मी स्ट्रेंथ में बहुत ही ज्यादा होते हैं, यानी कि कई सौ आर्मी हमें देखने को मिल जाते हैं और इनका एक अलग तरह से रेपुटेशन होता है। ये आर्मी इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी फोर्स के जरिए। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो फ्रीजा के लिए जो काम करते हैं फ्रीजा उनके ऊपर कम ही चिंता दिखाता है, यानी कि दोस्तों फ्रीजा वो अपने आर्मी के लिए ज्यादा निश्चिंत नहीं होता है। गोकू और उसके दोस्तों फ्रीजा के आर्मी को कई सारे ओकेजन में खत्म कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्रीजा भी खुद फ्रस्ट्रेशन में आके अपने आर्मी को कई बार मिटा चुका है, यानी कि दोस्तों अपने मेंबर्स को कई बार मिटा चुका है। आप मैंगा में भी चेक कर सकते हैं और एनमी में तो आप देख ही चुके हैं। नंबर 9 पे आता है सीएंस के ऊपर सुप्रीमेंसी गढ़ाने का एबिलिटी होता है। दोस्तों फ्रीजा के आर्मी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के और रैंक के आर्मी होते हैं। फ्रीजा कभी भी अपने आर्मी में भेदभाव नहीं करता है, बल्कि दोस्तों उसके आर्मी में कोई भी ज्वाइन हो सकता है। नॉर्मली फ्रीजा के आर्मी स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेकिन ये कभी कभी सीएंस के ऊपर भी हेल्प करने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। भले सीएंस फ्रीजा के आर्मी के ऑफिशियल मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन सीएंस के ऊपर ऑर्डर एकदम कम्फर्टेबल दिया जाता है। वैसे भी दोस्तों फ्रीजा सीएंस का बहुत ही ज्यादा कम रिस्पेक्ट करता है और इसी के लिए फ्रीजा को सीएंस के साथ ऐसा काम करने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक तरफ से दोस्तों फ्रीजा के आर्मी सीएंस के ऊपर एक सुप्रीमेंसी गढ़ा के रखते हैं। नंबर 8 पे आता है दोस्तों हीटर फोर्स ही इनका प्राइमरी कंपटीटर था। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल सुपर में बहुत सारी चीजों को एक्सपेंड किया गया था, और ड्रैगन बॉल सुपर मैंगा में तो अभी भी एक एक चीज रिवील होते जा रहा है और मैंगा में बहुत सारी चीजों को डाला जा रहा है। फ्रीजा के फोर्स को प्लैनेट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीजा के आर्मी हमेशा अपनी पावर कमजोर प्लैनेट के ऊपर दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बार राइवल ऑर्गेनाइजेशन भी आया था जिसका नाम दोस्तों हीटर फोर्स था, और उसका भी यही गोल रहता है कि वो फ्रीजा के आर्मी से फाइट करे। इसलिए दोस्तों हीटर फोर्स ही इनका प्राइमरी कंपटीटर था। नंबर 7 पे आता है दोस्तों फ्रीजा के आर्मी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपनरी होता है। दोस्तों हमें पता है कि फ्रीजा के आर्मी में बहुत ही ताकत है और लड़ाई के मामले में भी इनके पास बहुत ही अच्छा पावर होता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ इनके पास बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट भी होता है। यहाँ पर फ्रीजा और उसका आर्मी अटैक पॉड ट्रांसपोर्ट पॉड का बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं, और साथ में दोस्तों स्पेस क्राफ्ट और हूवर कार्स को भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वेपन के हिसाब से देखते हैं तो इनके पास रे गन, आर्म कैनन और मैका फ्रीजा भी होता है। लास्टली दोस्तों यहाँ पर फ्रीजा के आर्मी हमेशा लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, और साथ में मॉडर्न डिजाइन का भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है। नंबर 6 पे आता है फ्रीजा के बिना भी उसका आर्मी फंक्शन करता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिसको हम फ्रीजा के आर्मी के नाम से जानते हैं उसका लीडर फ्रीजा मर जाए तो इसका आर्मी बंद हो जाएगा। सीरीज के दौरान दोस्तों ये प्रूव हो चुका है कि फ्रीजा मर जाने के बाद से भी इसका आर्मी कंटिन्यू चलते रहता है। जब गोकू फ्रीजा को डिफीट कर दिया था तब फ्रीजा के आर्मी अकेले पड़ गए थे, यानी कि दोस्तों बिना लीडर के अकेले रह गए थे। यहाँ पर इस दौरान कई सारे मेंबर्स खुद ही निकल गए थे और कई सारे मेंबर्स निकाल भी दिए गए थे। फिर भी दोस्तों फ्रीजा के आर्मी में कुछ मेंबर्स थे जो कि दोस्तों अपने ऑनर यानी सम्मान के लिए लड़ रहे थे और फ्रीजा के लेगेसी को जिंदा बनाकर रखे थे। भले दोस्तों फ्रीजा इनके प्रति इतना लॉयल नहीं दिखाता है, लेकिन दोस्तों उसके आर्मी का डेडिकेशन देख के तो एकदम सरप्राइज ही लग गया था। नंबर 5 पे आता है फ्रीजा के आर्मी को कभी कभी अनदेखा या तो इग्नोर किया जाता है।
दोस्तों फ्रीजा के आर्मी में इतने सारे मेंबर्स होते हैं कि उनके ऊपर आया हुआ कुछ भी मुश्किल को वो लोग हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर खास करके फ्रीजा को अपने राइट हैंड मैन के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होता है, यानी कि दोस्तों जॉर्बन और डोडोरिया के ऊपर। लेकिन यहाँ पर फ्रीजा हमेशा बैकअप प्लान रखता है अगर इसका खुद का टीम काम को पूरी तरीके से ना कर पाए। यहाँ पर फ्रीजा का अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मिशन रहता है तो दोस्तों वो गिनोफोर्स को भेजता है। इस चक्कर में कहीं ना कहीं फ्रीजा अपने आर्मी को अनदेखा कर दिया था। जब फ्रीजा के खुद के आर्मी से कोई भी काम नहीं होता है तो वो दूसरे चॉइस को चॉइस करना प्रेफर करता है। नंबर 4 पे आता है फ्रीजा के आर्मी फ्रीजा के जनरेशन से गुजर चुके हैं। दोस्तों ये जान के तो कोई हैरानी नहीं हुआ होगा कि फ्रीजा के आर्मी का हेड ज्यादा करके फ्रीजा को ही दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ जानने वाला चीज ये है कि फ्रीजा के आर्मी फ्रीजा के फैमिली के जनरेशन से गुजर चुके हैं। जब दोस्तों ये आर्मी का हेड फ्रीजा नहीं था तब दोस्तों ये आर्मी को उसके पिता किंग कोल्ड ही लीड करते थे और ये आर्मी का नाम टफ कोल्ड फोर्स था। ऊपर से कूलर अपना बदला अपने भाई से लेने के चक्कर में वो एक इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंट टीम बन गया था। यहाँ पर किंग कोल के बाद फ्रीजा ही इस आर्मी को लीड कर रहा था। और फाइनली फ्रीजा के कोई दूर के पूर्वज जिसका नाम चिल्ड है वो भी ये आर्मी के ऊपर कंट्रोल रख चुका है। और तो दोस्तों वो भी इस आर्मी का चिल्ड आर्मी रखा था। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये आर्मी फ्रीजा के फैमिली के जनरेशन से गुजर चुका है। नंबर 3 पे आता है फ्रीजा के आर्मी के कुछ मेंबर्स नए सियन एम्पायर में ज्वाइन हो गए थे। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी के मूवी में हमें कई सारी खतरनाक लड़ाई और पॉपुलर विलन्स को देखने को मिल जाते हैं। ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सियन के मूवी में ब्रॉली और उसके पिता को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम पैरागॉस था। लेकिन ये मूवी में हमें पैरागॉस का एक नया सियन एम्पायर का टीम देखने को मिला था। और खास बात ये था कि इस सियन एम्पायर में फ्रीजा के आर्मी के कुछ मेंबर्स भी ऐड हो गए थे। यहाँ पर ये सभी रेयर ओकेजन में से एक था जहाँ दोस्तों पहली बार फ्रीजा के आर्मी और सियंस के बीच में अदला बदला हुआ था। इससे हम ये जान सकते हैं कि फ्रीजा का आर्मी कितना फ्रीली यूजेबल हो सकता है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों करेंसी के हिसाब से एक सिलिंड्रिकल रॉड टाइप्स का कुछ यूज करते हैं। दोस्तों इतना तो हमें पता है कि ड्रैगन बॉल में करेंसी का इस्तेमाल तो जरूर होता है। अगर हम अर्थ में देखते हैं तो वहाँ का रेजिडेंस जेनी करेंसी को यूज करते हैं। और हम टेंकाजी बुडोकाई में भी दोस्तों विनिंग कैश प्राइस को देख चुके हैं। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में फ्रीजा के आर्मी करेंसी के हिसाब से एक अंजन सिलिंड्रिकल रॉड को यूज कर रहे थे और दोस्तों उसी के एक्सचेंज में वो पेमेंट्स भी किए थे। यानी दोस्तों इसका करेंसी और के मुकाबले एकदम अलग ही होता है। असली अगर हम मूवी में देखते हैं तो फ्रीजा ये रॉड के साथ चिलाई और लैमो का पेमेंट भी करता है। फाइनली दोस्तों मेरे वो 1 पे आता है एनीगेस। जी हाँ दोस्तों, फ्रीजा के आर्मी खुद को टाइम ब्रेकर में प्लेस कर दिए थे। दोस्तों ड्रैगन बॉल के एनिमी और मैंगा एक नए तरीके से वापस आए थे और कई सारे एक्साइटिंग कंटेंट भी लाए थे। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद फैंस के सामने ड्रैगन बॉल का वीडियो गेम्स भी आया था और इसमें भी दोस्तों एक नया कंटेंट को दिखाया गया था। ड्रैगन बॉल ऑनलाइन सीरीज का मैथोलॉजी को एक क्रिएटिव तरीके से लाया गया था। ये गेम के डिटेल्स में ये दिखाया गया था कि किस तरह से फ्रीजा के आर्मी खुद को टाइम ब्रेकर के साथ प्लेस कर दिए थे क्योंकि वो फ्रीजा को रिवाइव कर सके। फ्रीजा के आर्मी कई सारे टाइम ब्रेकर टास्क कर चुके थे और तो कई बार पास्ट में विड्रॉवल कर लिए थे क्योंकि बची हुई फ्रीजा का चीज को वो रिवाइव कर सके। ये आर्मी का डेडिकेशन बहुत ही गजब लेवल का होता है और खुद को फ्रीजा के लिए टाइम ब्रेकर में प्लेस कर दिए थे। इससे आप इनका डेडिकेशन लेवल के बारे में सोच सकते हैं कि ये कितने भरोसेमंद है उसके मालिक के लिए। तो दोस्तों यही था फ्रीजा के आर्मी के 10 चीज के बारे में जो कि दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों मैंने कोई चीज मिस कर दिया क्या? अगर मिस कर दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।